बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर। द टॉपिक इज़ हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एक्सेल शीट। द प्रीवियस लेक्चर द टॉपिक वाज हाउ टू प्रोटेक्ट द डिफरेंट सेल्स विद इन अ सिंगल वर्कशीट। बट दिस इज इन दिस लेक्चर वी विल लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट और हाउ टू क्रिएट अ पासवर्ड on our Excel sheet. And suppose this is our Excel sheet and we want to create a password on it, and this sheet will not be opened by anyone. तो हम किस तरह इसमें इस पर जो है वह पासवर्ड किस तरह लगा सकते हैं। तो सपोज़ मैं जो है ये शीट मैंने ओपन की, तो इसमें जो है आप रिव्यू जो टैब है आप इस पे जाए और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो प्रोटेक्ट शीट है, ये तो हमने कल जो लेक्चर में ये हमने पढ़ा है, ये जो प्रोटेक्ट वर्कबुक है इस पे आपने क्लिक करना है ताकि हमारे पास जो मुख्तलिफ शीट्स हैं ये आप देख सकते हैं, फ्रीजिंग या स्प्लिट स्क्रीन या आउटलाइन या शीट वन या शीट टू, इस तरह मुख्तलिफ शीट्स है हमारे पास वर्कबुक है। तो इसको मैंने ये करना है कि कोई इसमें इसमें से कोई एक शीट जो है या डिलीट ना करे या किसी इसकी पोजीशन जो है वो चेंज ना करे। तो इसको मैं सपोज़ मैं इसको अभी डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये जो है ये प्रोटेक्टेड है, तो इसको आप पहले जो है अनप्रोटेक्ट कर दें। ये मैंने जो है ख़ुद से पासवर्ड लगाया है। ये किस तरह लगाएंगे तो ये हम मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सपोज़ अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो ये डिलीट हो सकता है, या इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ तो ये हाइड हो सकता है। आप देख सकते हैं ये जो है हाइड हो गया, या स्प्लिट जो क्या नाम है इसको, ये हाँ ये जब दोबारा मैं जो है अनहाइड करूँगा तो वही शीट जो है वो दोबारा आपके पास जो है वो नज़र आएगा। स्प्लिट स्क्रीन जो शीट का नाम है ये दोबारा जो है आपको नज़र आएगा। इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसको डिलीट कर सकता हूँ, या इसमें कोई एडिटिंग वगैरह जो है वो आसानी से कर सकता हूँ। तो आपने इन चीज़ों को रोकना, अगर रोकना है कि कोई इसको शीट को डिलीट ना करे या इसको इस अपने पोजीशन से मूव ना करे, तो इसको आप जो है कोई पासवर्ड वगैरह लगा दे। वो किस तरह हम लगाएंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई जो पासवर्ड है वो आप जो है वो लगाएंगे। सपोज़ मैं इस पे एक पासवर्ड लगा रहता हूँ, जब मैं ओके करूँगा ये आपसे दोबारा वही पासवर्ड मांगेगा, जब मैं दोबारा ओके करूँगा तो ये जो है आपका वर्कबुक जो है ये लॉक हो गई। अब इसमें ये है कि जब आप प्रोटेक्ट वर्कबुक का करते हैं उस पर पासवर्ड लगा लेते हैं तो एक ही वर्कबुक में चेंजेस तो हो सकते हैं, लेकिन इस चेंजेस को आप किस तरह रोकना है। सपोज़ मैं इसमें कोई एंट्री जो है वो तब्दील करना चाहता हूँ, उसमें कोई चेंजेस करना चाहता हूँ, तो इन चीज़ों को आपने किस तरह रोकना है, तो वो सिंपली जो है वो प्रोटेक्ट शीट में आपने करना होगा। लेकिन अगर आपने पूरे जो हमारे पास शीट्स है वर्कबुक है, अगर इस वर्कबुक को ना डिलीट करना चाहते हैं, ना इसको हाइड करना चाहते हैं, ना इसमें कोई इसकी पोजीशन जो है वो चेंज करना चाहते हैं, सपोज़ मैं इसकी पोजीशन अब जो है वो अभी तो ये जो है प्रोटेक्टेड है, इसकी पोजीशन जो है आप देख सकते हैं, मैं इसको अभी इसकी पोजीशन जो है मैं ये चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये जो है इस पे पासवर्ड लगा हुआ है। जब मैं इसकी पोजीशन चेंज करना चाहूँगा तो जब मैं इस पे पासवर्ड दोबारा उसको हटा दूँगा तो इसको आप सिंपली जो है अपनी जगह से कहीं भी जो है वो ले जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये फ्रीजिंग जो है ये यहाँ से पहले नंबर से यहाँ पर आ गई, दोबारा जब मैं इसको अपनी जगह पर ले जा सकता हूँ। तो जब आपने शीट्स के को मूव करने से रोकना है, या इसको डिलीट करने से बचाना है, या इसमें कोई अदर जो इसकी स्पेलिंग वगैरह इसको रोकना है, तो ये आपने प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाना होगा और वहाँ पे जो है एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा।
तो जब भी कोई बंदा इसमें कोई चेंजेस वगैरह करेंगे तो वो पहले उसमें चेंजेस नहीं कर सकता जब वो आपसे वो पासवर्ड ना मांगे, और वो जो है पासवर्ड जब वो पासवर्ड उसको मिलेगा तो उसके बाद उसमें चेंजेस करेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि ये तो ये वर्क जितने भी वर्कबुक है तो ये हम तो खोल सकते हैं। एक्सेल फाइल जो है, कोई भी एक्सेल फाइल है, सपोज़ इसका नाम है 08 वर्कशीट व्यूज़, तो इसका ये नाम है, तो ये मैं इसको खोल सकता हूँ, इसको मैं देख सकता हूँ, इसमें एडिटिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन इसकी वर्कशीट पे जितनी भी वर्कबुक है इसमें कोई चेंजेस मैं नहीं कर सकता। इसकी पोजीशन में चेंजेस नहीं कर सकता, इसको डिलीट नहीं कर सकता, ऐसा कर सकता, इसको हाइड वगैरह नहीं कर सकता। तो ये तो इस तरह है। सपोज़ मैं ये करना चाहता हूँ कि कोई बंदा जो है ये एक्सेल शीट खोले ही ना, इसको मतलब अगर एक्सेल शीट पे वो क्लिक करे तो जिस तरह हम मोबाइल पे कोई पासवर्ड वगैरह लगाते हैं कि ताकि कोई दूसरा बंदा जो है मेरा मोबाइल जो है वो यूज़ ना करे, तो उसको इसके लिए हम इस तरह करते हैं कोई, या कोई पैटर्न वगैरह कोई सेट कर देते हैं, या कोई पासवर्ड वगैरह सेट कर देते हैं, तो जब हम वो पासवर्ड दे देते हैं तो उसके बाद जो है वो आपका मोबाइल जो है वो ऑन होता है, उसमें मतलब आप कोई भी काम जो है फिर कर सकते हैं। इस तरह एक्सेल में भी है। कर एक्सेल फाइल जो है आप वो इस तरह करना चाहते हैं कि कोई आपका जो एक्सेल फाइल है वो खोला ही ना, तो उसमें ये है कि आपने उसके ऊपर जो है एक पासवर्ड सेट करना होगा। तो इसको इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, तो हम वन बाय वन इंशाल्लाह करेंगे। सपोज़ इसको मैं ये कर देता हूँ कि किस तरह मैं इस पर एक पासवर्ड जो है वो सेट कर देता हूँ। तो आप पहले जाएंगे फाइल पे और वहाँ से फिर जाएंगे सेव एज। सेव एज सपोज़ ये जो है मैं यहाँ पे इसकी लोकेशन जो है वो मैं यहाँ पे इसको सेव करना चाहता हूँ। जब मैं इसको सेव करूँगा तो इसका नाम जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, इसकी जो है वो फॉर्मेटिंग जो है वो भी चेंज करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको ये 08 वर्कशीट व्यूज़ को इस शीट को मैं इस पे एक पासवर्ड लगा लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टूल जो है, टूल्स यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस टूल में मुख्तलिफ ऑप्शंस आते हैं। तो जब मैं जनरल ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास जो है वो एक विंडो जो है वो अपेयर हो जाती है, और ये विंडो जो है ये आप देख सकते हैं। तो इस विंडो में, इसको जनरल ऑप्शन कहते हैं, और इस विंडो में जो है हमारे पास पासवर्ड टू ओपन है और पासवर्ड टू मॉडिफाई है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है और ये किस लिए यूज़ होता है? तो सपोज़ मैं इसको पहले वाले को एक पासवर्ड दे देता हूँ, सपोज़ 123 मैंने दिया, और जब मैं ओके करूँगा और इसको मैं सेव करूँगा, जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये आपसे मांगेगा कि डू यू वांट रिप्लेस इट। तो सपोज़ मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो ये जो चेंजेस मैंने की तो इसको मैं ये इसमें सेव हो गई। जब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और दोबारा जो है वहाँ से जब मैं इस शीट को दोबारा खोल देता हूँ, जब जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, जब मैं इसको खोलूँगा तो ये जो है ये आपसे एक पासवर्ड मांगेगा। ये शीट जो है तब तक नहीं खोलेगा, तब तक ये ओपन नहीं होगा जब तक आप ये पासवर्ड जो है वो एंटर ना करें। जब मैं ओके करूँगा तो इसमें आप ये जो है आप देख सकते हैं, इसमें आप जो है फिर वो कुछ भी एडिटिंग वगैरह कोई भी आप इसमें कर सकते हैं। तो इसका एक तो ये है कि क्रिएट अ पासवर्ड सपोज़। अच्छा, ये दूसरा ऑप्शन किस लिए है तो ये आप देख सकते हैं। सपोज़ ये सेव एज मैंने किया, फिर उसके बाद वही फाइल जो है, फिर उसके ये जो सपोज़ ये 7 चार्टिंग इसका नाम है, सपोज़ ये एक दूसरा शीट है, ये मेरे ख्याल में ये 08, अच्छा ये वही शीट है, और इसको मैं वही टूल पे जाता हूँ और जनरल ऑप्शन पे जाता हूँ, और जनरल ऑप्शन के बाद जो है मैं इसी दूसरे में पासवर्ड लगा लेता हूँ 123, और इसको मैं जब ओके करूँगा और यहाँ पे दोबारा वही पासवर्ड जो है वो मैं सेट करूँगा, जब मैं ओके करूँगा और सेव करूँगा तो ये आपसे मांगेगा कि डू यू वांट रिप्लेस इट, यस। जब मैं इसको क्लोज़ करूँगा और दोबारा इसको ओपन करना चाहता हूँ तो ये जो है एक दूसरा विंडो आपको अपीयर हो जाएगा। ये कहता है कि एंटर पासवर्ड फॉर राइट एक्सेस आर ओपन रीड ओनली। इसमें वो जो पहले वाला था उसमें ये था कि आपको ये रीड ओनली ऑप्शन नहीं था,
आप इसको रीड ओनली नहीं कर सकते। तो इसमें दो ऑप्शन आपके पास, लेकिन इसी ये मॉडिफाई में आपके पास जो है ये दो ऑप्शन है, या तो इस तरह आप करें कि जो पासवर्ड आपने सेट किया है तो वही पासवर्ड दे दें, या अगर कोई बंदा आपका जो शीट जो है वो इस्तेमाल करना चाहता है तो उसमें वो चेंजेस नहीं कर सकता, लेकिन उसको सिर्फ जो है वो रीड ओनली कर सकता है। तो ये जो है रीड ओनली, उसमें ये आपका जो ये जो है ये रीड ओनली हो जाएगा। अच्छा, अगर हम दोनों सेट करें, सपोज हम यहाँ से इस तरह करें कि मैं तो ये शीट जो है क्लोज किया, सपोज मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि ये 1 2 3 सपोज मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि दोनों सेट करता हूँ, तो जब मैं ये सेव एस करूँगा इसको जो है इस यहाँ पे जो है मैं ये इसको सेव एज और फिर मिड और उसके बाद जो है सपोज ये इसको मैं जनरल ऑप्शन पे और यहाँ पे भी मैं एक पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लूँ, मतलब दोनों जगह पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई दोनों में मैंने पासवर्ड सेट की, और जब मैं इसको दोबारा वही पासवर्ड दे देता हूँ जब मैं ओके करूँगा और सेव करूँगा तो जब मैं यस करूँगा तो ये जो है आपके पास ये फाइल जो है ये सेव हो गई। जब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और दोबारा उसी शीट को मैं दोबारा खोल लेता हूँ तो ये आपसे पहले वही एक पासवर्ड मांगेगा, जब मैं इसको वही पासवर्ड दे देता हूँ तो उसके बाद ये दूसरा पासवर्ड मांगेगा, वो उसके बाद जब मैं ये दूसरा पासवर्ड दे देता हूँ तो उसके बाद ही खुलेगा। तो ये दो पासवर्ड जो है ये अलग अलग इसकी जो है वो काम है, कि मतलब एक पासवर्ड जो है पासवर्ड टू ओपन उसका मतलब ये है कि जब आप किसी की शीट को पासवर्ड दे देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो शीट जो है आपने इसको पासवर्ड दी, जब आप इसको क्लोज़ करेंगे और दोबारा ओपन करेंगे तो आपका शीट जो है वो नहीं खुलेगा तब तक आप तब तक जब आप उसको वही पासवर्ड नहीं दे देते। और जब जो दूसरा जो पासवर्ड टू मॉडिफाई है इसका मतलब ये है कि आप जब एक शीट को पासवर्ड दे देते हैं तो जब आप उसको क्लोज़ करेंगे और दोबारा ओपन करेंगे तो आपसे यह पासवर्ड मांगेगा, और अगर आप पासवर्ड नहीं देना चाहते हैं और आप उसमें इसको सिर्फ रीड करना चाहते हैं तो रीड ओनली आप क्लिक करेंगे और आपके पास जो है वो शीट ओपन हो जाएगा, लेकिन आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है, तो ये सारा कुछ वर्कशीट और इसके जो पासवर्ड क्रिएटिंग है ये सारा कुछ ये इस लेक्चर में हमने इंशाल्लाह ये कवर किया।